जय श्री कृष्ण। जीवन ज्योत यूट्यूब चैनल मा आपनु स्वागत छे। आजे आपणे सांभळीशु चैत्र मास मा ओखा हरण वार्ता रूपे खंड 6 अनिरुद्ध नी स्तुति अने तेने वरदान प्राप्ति। वैशंपायन बोल्या के हे राजन, बाणासुर ना नगर मा जे क्षणे बाणासुरे सुरवीर अनिरुद्ध ने ओखा साथे कैद कर्यो हतो, त्यारे अनिरुद्ध पोतानी रक्षा माटे कोटवती देवी ना शरणे गयो हतो। त्यारे अनिरुद्धे ए देवी नु जे स्तोत्र गायु हतो ते स्तोत्र तमे सांभळो। अनिरुद्ध बोल्यो के अविनाशी अंतरहित दिव्य अक्षय सनातन आदि देव अने जगतना प्रभु श्री नारायण ने नमस्कार करीने हूँ सर्वेना हित अर्थे चंडी देवी आर्या ने नमस्कार करू छू। ते कल्याणी देवी लोकोथी नमस्कार करायेला अने वरदान आपनार छे, माटे श्री हरिए सेवेला नामों थी हूँ तेमनू कीर्तन करू छू। ए शुभ देवी नू ऋषियोए अने देवोए वाणी रूप फूलो वड़े पूजन कर्यू छे। ए देवी सहुना देहमा शक्ति रूपे रहेला छे, तेथी सर्वे देवोए तेमने नमस्कार कर्या छे, केम के ए देवी महेंद्र अने विष्णुना भगिनी छे। भावथी शुद्ध मनथी पवित्र थई बे हाथे नमस्कार करीने हूँ ए गौतमी देवीनी स्तुति करू छू। जे कंसने भय आपनार यशोदा माताना आनंदने वधारनार बुद्धिने कल्याणकार्य गायोना धणमा प्रगटेला नंदगोपने आनंद आपनार बुद्धिमान दक्ष चाकर शिव मंगल कल्याण स्वरूप दानवोना संहारक सर्वे भूतोना देहोमा चैतन्य शक्ति रूपे रहेला अने सर्वे प्राणियो वडे नमस्कृत ते देवीने हूँ नमस्कार करू छू। जे देवी दर्शन देनारा मनोरथोने पूर्ण करनारा माया रूप अग्नि सूर्य चंद्र जेवी क्रांति वाला शांति रूप ध्रुव अचल स्वरूप लोकोनी माता सौने मोहित करनारा पापोने सुकवी नाखनारा देवो अने ऋषियोना गुणों वड़े सेवन करवा योग्य सर्वे देवोथी नमस्कार करायेला काली स्वरूप कात्यायनी स्वरूप भय आपनारा अने तेनो नाश करनारा काल रात्रि रूप इच्छित रीते गमन करनारा त्रिनेत्री ब्रह्मचारिणी वीज स्वरूप मेघ जेवो शब्द करनारा वैताली रूप विशाल मुख वाला देवोना समूहमा पहला महाभाग्यशाली शकुनी अने रेवती कहवाता तिथियोमा पांचम छठ पूनम अने चौदस रूपी सत्तावीस नक्षत्रों रूपी बधीज नदियों रूपी सर्वे दिशाओ रूपी नगरो उपवनो उद्यानो वाड़ियों दरवाजा अटारियों मा वस्ता रीम तथा श्री बीज रूपी गंगा स्वरूप गंधर्व स्वरूप योगिनी होई सत्पुरुषों ने योग आपनारा छे। ते कीर्ति रूप आशा रूप दिशा रूप स्पर्श रूप सरस्वती देवी ने हूँ नमस्कार करू छू। वड़ी जे सावित्री देवी वेदोनी माता छे, भक्तों पर वाहल राखनारा उत्तम जड़ युक्त शांतिदायक एक स्वरूप छे, अंश रहित छे सनातन छे, झूपड़ी मा वसनारा मदिरा रूप चंडी उग्र याला पृथ्वी वाणी स्वरूप मलय पर्वत पर वसनारा प्राणी मात्र नु धारण पोषण करनारा दुष्टों ने भय पहुंचाड़नार कुष्मांडी नाम थी युक्त पुष्पों पर प्रीति वाला दारुणी क्रूर स्वरूप मदिरा मा वसनारा विंध्याचल अने कैलाश पर्वत पर वसनारा उत्तम स्त्री स्वरूप सिंहयुक्त रथ वाला विविध रूपों वाला ध्वज मा बड़द नु चिन्ह धारण करवा वाला दुर्जय दुर्लभ दुर्गा निसुंभ दैत्य ने भय पहुंचाड़नारा देवो ने प्रिय सुरा मध्य रूप इंद्रनी नानी बहन शिवा देवी रूप भीलड़ी नु रूप धरनारा चीर वस्त्रों ने धारण करनारा चोर लोकोनी सेना वड़े नमाकृत यज्ञों मा घी पीनारा सोमरस पीनारा सौम्य स्वरूप सर्व पर्वतों मा वसनारा हाथीना गंडस्थल जेवा स्तनो वाला कार्तिक स्वामी ना माता पर्वतना पुत्री पार्वती रूप पचास देव कन्याओं मा माता पिता रूप देवोना समूहनी पत्नियों रूप किन्नरोए गाया अने सेव्या छे एवा तमे दरेक स्वरूपे छो, तमने नमस्कार हो नमस्कार हो। हे गौतमी, आमने अन्य नामो वड़े मैं आपनू कीर्तन करियू छे, तो आपनी कृपा थी हूँ निर्विघ्ने जल्दी थी नागपासना बंधन माथी छूटी जाऊं।
हे विशाल नेत्रों वाला देवी, हूँ तमारा बन्ने चरणों ना शरणे आव्यो छु, तो मारा सर्वे बंधनों थी मारो छुटकारो करवाने तमेज योग्य छो। हे देवी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र चंद्र सूर्य अग्नि वायु बे अश्विनी कुमारो वसुओ धाता भूमि दसे दिशाओ पवन सहित मेघ गायो नक्षत्रों ना वंशो ग्रहो नदियों आम देवी ना नाम थी कीर्तन थी समस्त जगत देवी नुज स्वरूप छे। जे मनुष्य सावधान रहीने आ पवित्र स्त्रोत्रनो पाठ करे छे तेने सातमा महीने ए देवी उम्दा वरदान आपे छे। 18 भुजाओ वाड़ा जे देवी दिव्य आभूषणों थी शणगारेला छे तेमना सर्वे अंगो हारो थी शोभे छे। मुकुट सहित आभूषणों तेमने पहेर्या छे। एक कात्यायनी देवीनुं जे स्मरण करे छे स्तवन करे छे तेने हे देवी तमे उत्तम वरदान आपो छो, तेथी हूँ तमारी स्तुति करू छु। तो हे सुंदर नेत्रोवाड़ा अने वरदान आपनारा महादेवी तमने नमस्कार हो। तमे मने सदाकाळ अति प्रसन्न थावो अने वरदान आयुष्य पुष्टि क्षमा अने धैर्य मने अवश्य आपो। हे देवी, हूँ बंधन थी छूटो थाव ते सत्य बनो। वैशंपायन बोलिया के आम अनिरुद्धे महादेवी दुर्गानु स्तवन कर्यू त्यारे दुष्प्राप्य पराक्रम वाड़ा ते देवीए अनिरुद्धना बंधनमां सानिध्य कर्यू हतु। शरणागत पर प्रेम राखनार ते देवी अनिरुद्धनु हित करवा माटे बाणासुरना नगरमां अनिरुद्ध पासे पधार्या हता अने तेने छूटो कर्यो हतो अने पछी शत्रुने सहन नहीं करनार वीर अनिरुद्धने ते देवीए सांत्वन आप्यु हतु। क्षीर अनिरुद्धे ते देवीनी पूजा करी हती त्यारे अनिरुद्धना कैदखानामां देवीए कृपा दर्शावी हती। તે વખતે નાગપાસમાં બંધાયેલ છતાં જેનું ચિત્ત ઓખાએ હર્યું હતું એવા એ અનિરુદ્ધના વજ્ર જેવા પાંજરાને દેવીએ પોતાના હાથના અગ્રભાગથી ચીરી નાખ્યું હતું અને પછી બાણાસુરના નગરમાં કેદમાં પડેલ વીર અનિરુદ્ધને દેવીએ સાંત્વન આપતા એવું વચન આપ્યું હતું અને તે વેળા તેના પર કૃપા કરવાને તત્પર થયા હતા। શ્રી દેવી બોલ્યા કે હે અનિરુદ્ધ, ચક્રરૂપ આયુધવાળા શ્રી કૃષ્ણ તને તત્કાલ બંધનમાંથી મુક્ત કરશે, માટે ત્યાં સુધી દુઃખ સહન કરી લે। દૈત્યનો નાશ કરનાર શ્રી કૃષ્ણ બાણાસુરના 1000 હાથ કાપી નાખી તને દ્વારકામાં લઈ જશે। વૈશંપાયનજી બોલ્યા કે બાણાસુર પુત્રી ઓખા અને અનિરુદ્ધને દ્વારિકા લાવવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ગરુડજી દ્વારા તૈયારી શરૂ કરી હતી, ત્યારે આ તરફ મહાસુર બાણાસુરે પોતાના સૈન્યને સજ્જ કરવા માંડ્યું હતું। તે વેળા અતિ નજીકમાં જ્યારે પોતાનો તિરસ્કાર સાંભળ્યો હતો ત્યારે ચંદ્રમુખ અનિરુદ્ધે હર્ષ પામીને પુનઃ આ રીતે દેવીને સ્તુતિ કરવા માંડી। અનિરુદ્ધ બોલ્યા કે હે દેવી, હે વરદા શિવે, તમને નમસ્કાર હો। હે દેવોના શત્રુઓનો નાશ કરનારા દેવી, તમને નમસ્કાર હો। હે અથષ્ટ વિચરણ કરનારા તે સદા શિવે, તમને નમસ્કાર હો। હે બંધન મુક્ત કરનારા, તમને નમસ્કાર હો। હે ઇન્દ્રાણી, રુદ્રાણી, બ્રહ્માણી, હે ભૂત ભવિષ્યને ઉત્પન્ન કરનારા શિવ, તમે સર્વ ભયથી મારું રક્ષણ કરો। હે નારાયણી, તમને નમસ્કાર હો। હે જગતના નાથ પ્રિય, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરનારા, હે મોટા વ્રતધારી, હે ભક્ત પ્રિય, હે જગત માતા, હે પર્વત પુત્રી પાર્વતી માતા, હે વસુંધરી, હે પૃથ્વી સ્વરૂપિણી, તમને નમસ્કાર હો। હે વિશાળ નેત્રધારી, તમે મારું રક્ષણ કરો। હે નારાયણી, તમને મારા નમસ્કાર હો। હે દાનવોને ભય પમાડનારા, તમે સર્વે દુઃખોથી મારું રક્ષણ કરો। હે રુદ્રપ્રિયા, હે મહાભાગ્યવાન, તમે ભક્તોના સંકટો પીડા નાશ કરનારા છો। તમને દેવીને હું નમસ્કાર કરું છું, હું બંધનમાં રહેલો છું તે છૂટો થાવ। વૈશંપાયનજી બોલ્યા કે હે મનુષ્ય, અત્યંત સાવધ થઈ આ પવિત્ર આર્યાસ્તવનનો પાઠ કરે છે તે સર્વે પાપોથી વિશિષ્ટ મુક્ત થઈ વિષ્ણુ ભક્તિમાં જાય છે અને જો બંધનમાં રહ્યો હોય તો તે બંધનમાંથી છૂટી જાય છે। આવું તે એક સત્યવ્યાસ કથન છે। તો આ હતી ઓખાહરણ ખંડ 6 ની અનિરુદ્ધની સ્તુતિ। જય શ્રી કૃષ્ણ।